स्वागत है आप सबका स्वैन इंजीनियर्स में। आज बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के लिए वैकेंसी और सैलरी आपकी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। 35,000 से लेके 1,45,000 तक की सैलरी रहने वाली है। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होने वाला है। पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आपको किस तरह से अप्लाई करना रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और आप कब तक अप्लाई कर सकोगे, तो लास्ट तक बने ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप सब मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। इस अपडेट अच्छे लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, पहले ग्रेड पे स्केल की बात कर ले तो आप देख ही रहे होगे आपकी जो सैलरी रहेगी वो 37,500 से लेकर 1,45,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर्स के लिए टोटल वैकेंसी 8 रहेगी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसी 12 रहेगी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसी 5 रहेगी और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसी 21 रहेगी। लेकिन इधर आपको एक चीज नोटिस करनी रहेगी कि आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए। लेकिन आपके पास COVID-19 में आपने अप्लाई किया और अभी तक नहीं आया तो आप अप्लाई कर सकोगे, उसका भी क्लियरली मेंशन किया गया है। और आप कंप्यूटर बेसिस में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब आपको इस सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी, तो आप उस चीज को ध्यान में रखें। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर की टोटल वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रहेगी और आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए। अब बात करें डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें टोटल वैकेंसी 32 रहेगी, तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए। और बात करें मैकेनिकल इंजीनियर की तो उसकी टोटल वैकेंसी 65 रहेगी, तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी रहेगी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सारी पोस्ट के लिए। इधर रिजर्वेशन का टेबल भी दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसी वाइज आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब बात करें एज लिमिट की, तो जनरल के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर तक आपकी एज लिमिट रहेगी। एससी एसटी की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर तक आप अप्लाई कर सकोगे। ओबीसी नॉन क्रिमिनली लेयर की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए एंड मैक्सिमम 33 ईयर तक आप अप्लाई कर सकोगे। अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना रहेगा। 40% मार्क्स आते आपके, मिनिमम 40% मार्क्स आते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए तो उसको सिलेक्शन किया जाएगा और 50% मार्क्स चाहिए अदर्स कैटेगरी के लिए। उसके सिलेबस की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर देख ही रहेगी, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें 100 मार्क्स का परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो वेटेज रहेगा वो 20% रहेगा। रीजनिंग अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की जो परसेंटेज मार्क्स रहेगा वो 20% रहेगा और डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज मीन्स आपने जो डिप्लोमा में जिस फील्ड से आपने किया उसी फील्ड का 60% का मार्क्स रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से वेटेज भी दे दिया गया है, तो आप उसी बेसिस पे अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका जो पेपर रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगी उसमें जो आपका टेस्ट रहेगा वो एमसीक्यू बेसिस पे रहने वाला है उसमें। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इधर नोट करने की, नेगेटिव मार्किंग रहने वाला नहीं है, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और जो हमारा पेपर रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा। फिर से बता दूं कि हमारी जो सीबीटी होगी उसका जो मार्किंग होगा वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, आप जो भी ऑनलाइन अपना अपलोड करते हैं वो सारी चीज़ आपको जब अपनी एग्जाम क्लियर हो जाती है तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना रहेगा, तो आप सारी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो वो भी मेंशन किया है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना रहेगा और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना रहेगा। ये सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं आपको किस तरह से अप्लाई करना है। उससे पहले हमारी जो लास्ट डेट है उसकी बात कर ले, तो हमारी जो लास्ट डेट रहेगी वो 9/12/2021 तक रहेगी, मीन्स के दिसंबर के 9 तक आप अप्लाई कर सकोगे। उसके बाद हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना वो क्लोज हो जाएगा। उसकी लिंक की बात कर ले तो www.oilindia.com पे जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख ली, वहां से जाके आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उसके आप रजिस्ट्रेशन करते हो उस तब आपकी एक यूज़र आईडी और यूज़र नेम का एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। उसी एप्लीकेशन आईडी एंड आपके पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकोगे और फिर आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकोगे।
आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या मेरे और मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप ज्वाइन होके भी वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो हमारी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 200 पर फॉर्म रहेगी, और एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए एग्जाम फीस नहीं रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको इस अपडेट अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।